तो नमस्कार दोस्तों, आज 4 मई 2022 को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के और एनुअल रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कंपनी को पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी में क्या ग्रोथ आई है और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों आपको बता दें, अगर किसी भी कंपनी में आपने अपना हार्ड अर्न पैसा इन्वेस्ट किया है या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस कंपनी के बिज़नेस के बारे में आपके पास डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी का क्या बिज़नेस है और वो कैसा चल रहा है, कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स वगैरह कैसे चल रहे हैं। और किसी भी कंपनी के क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स को चेक करके हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कंपनी का बिज़नेस कैसा चल रहा है और इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस साल के जो कंपनी का लास्ट क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले चेक करते हैं हम रिवेन्यू। तो इस क्वार्टर के जो मार्च क्वार्टर 2022 का एंड हुआ है इसमें कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 1948 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में जो दिसंबर 2021 को ख़त्म हुआ था उसमें कंपनी के जो रिवेन्यू थे वो थे 2030 करोड़ रुपये। और यहाँ पर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के 4% रिवेन्यू कम हुए हैं। ऐसे ही हम देखें कंपनी का अगला पैरामीटर टोटल इनकम का, तो इस क्वार्टर की कंपनी की जो टोटल इनकम आई है वो आई है 1986 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 2054 करोड़ रुपये और यहाँ पे भी कंपनी को 3% का डिक्लाइन आया है। लेकिन अगला पैरामीटर हम देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इस साल इस क्वार्टर का जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है वो है 273 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 252 करोड़ रुपये था और यहाँ पे कंपनी को 8% ग्रोथ मिली है। यानी कंपनी के रेवेन्यू जरूर कम हुए हैं लेकिन फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। और अगला पैरामीटर हम चेक करते हैं तो वो है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इस क्वार्टर का जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है वो है 206 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 127 करोड़ रुपये था और यहाँ पे हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी को बहुत ही बढ़िया डबल डिजिट की 10% की ग्रोथ आई है। ऐसे ही सेम अगर हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं अर्निंग पर शेयर का, तो सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं उसी के हिसाब से इसमें भी कंपनी को ग्रोथ मिली है। इस क्वार्टर में जो कंपनी के अर्निंग पर शेयर आ रही है वो आ रही है 2.24 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.03 रुपये थी और इसमें भी सेम कंपनी को 10% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली है। तो इस तरह से कंपनी के हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो कंपनी के रिवेन्यू थोड़े से जरूर कम हुए हैं 3-4%, लेकिन वहीं कंपनी को डबल डिजिट की ग्रोथ मिली है इस क्वार्टर में उसके प्रॉफिट्स के अंदर। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, अब क्योंकि ये क्वार्टर फोर है तो इसके साथ साथ कंपनी ने अपने एनुअल रिजल्ट्स को भी पब्लिश किया है और हम चेक करते हैं कि एनुअल रिजल्ट्स के हिसाब से कंपनी में क्या ग्रोथ आई है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के रिवेन्यू चेक करें तो इस साल जो मार्च 2022 में कंपनी ने ईयर एंड किया है इसमें कंपनी के रिवेन्यूज आ रहे हैं 7,932 करोड़ रुपये, जबकि पिछले साल में थे 7,154 करोड़ रुपये। तो यहाँ पे हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को 11% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली है रिवेन्यूज़ के अंदर। अगला पैरामीटर हम देखें कंपनी का तो वह है टोटल इनकम, इस साल की जो कंपनी की टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 8,171 करोड़ रुपये, जबकि पिछले साल में थी 7,287 करोड़ रुपये और यहाँ पर भी कंपनी को 12% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली है। इसके बाद बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस साल का कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आया है 1,151 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले साल में सिर्फ ही 836 करोड़ रुपये था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी को बहुत ही बढ़िया 38% की ग्रोथ मिली है। ऐसी बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस साल का कंपनी का जो प्रॉफिट आया है नेट प्रॉफिट वो है 886 करोड़ रुपये, जबकि पिछले साल में 620 करोड़ रुपये था और इस हिसाब से हम देखें तो कंपनी को 43% का बहुत ही एक्सीलेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। ऐसे हम देखें अर्निंग पर शेयर, तो इस साल का कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर आ रहा है वो आ रहा है 9.61 रुपये, जबकि पिछले साल में 6.72 रुपये था और यहाँ पे भी सेम नेट प्रॉफिट जो है 43% की जो कंपनी को बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली है। तो इस तरह से कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल चेक करते हैं तो जो कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर के हिसाब से देखें तो कंपनी के रिवेन्यूज जरूर हल्के से कम हुए हैं लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है। लेकिन वहीं हम पूरे साल के कंपनी के रिजल्ट देखते हैं तो हर एक पैरामीटर में कंपनी को ग्रोथ मिली है, कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है, कंपनी के प्रॉफिट जो है वो एक्सीलेंट तरीके से इंक्रीज हुए हैं। तो ओवरऑल देखें तो साल दर साल कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। तो इस तरह से हम देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।